हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल युवांशी फैशन। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी स्लीव डिजाइन बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो मुझे यहाँ पर मेरी स्लीव्स की लंबाई चाहिए 10.5 इंच। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है। 1/2 इंच का नीचे की तरफ मार्जिन जाएगा, 1/2 इंच का ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लिया है मैंने इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर 11.5 इंच ली है और यहाँ पर मैंने आर्म होल लिया है 9 इंचेस। इधर से हम यहाँ पर 3.5 इंच से आर्म होल को गोलाई देंगे। यहाँ पर हम आर्म होल को गोलाई दे देंगे। मेरे यहाँ पर इसकी स्लीव्स की चौड़ाई है 6 इंच। तो 6 इंच और 6 में मैं यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन दूंगी। तो 7.5 इंच ली है मैंने यहाँ पर स्लीव्स की चौड़ाई यहाँ पर। अब इससे इसको यहाँ से और इसको मिला देंगे हम। और ये हमारी इसकी हमने ड्रॉ कर ली है स्लीव्स। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इधर से हम यहाँ पर 3 इंचेस लेंगे। ऊपर से नीचे तक हमें 3 इंचेस लेने हैं और ऐसे कैसे निशान लगाना है। यहाँ 3 इंचेस से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम इसमें ये बचा हुआ ये जो हमने ये कट किया है इस फैब्रिक को लेंगे और यहाँ पर हम इसके इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम इसमें 2-2 इंच के गैप से इसकी लंबी लंबी पट्टियां कट करेंगे। हमें इस तरह 2 इंच से हम इस तरह से लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसमें एक। हमें इस पट्टी से और भी पट्टी कट करनी है ऐसी ही। ये हमने इस तरह से पट्टियां कट कर ली है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हम यहाँ पर इसमें किनारे पर इसमें सिलाई लगा देंगे। हमें सारी पट्टियों के अंदर इस तरह से किनारे पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इनमें सिलाई लगा दी है। हमने इन चारों के अंदर यहाँ पे कॉर्नर्स पे सिलाई लगा दी है। अब हम इनको फोल्ड करके और सीधा करने के लिए हम इस तरह हाथ वाली सुई लेंगे और इसको यहाँ पर इसमें सिलाई करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। इसको उल्टी तरफ से डालना है हमें सुई को और निकाल लेंगे इसमें से। और ये हमें इस तरह से इसको इन सबको इस तरह से सीधा कर लेना है। इन पट्टियों को भी हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको सबको फोल्ड करके सीधा कर लिया है। अब हम इस तरह से हमारी एक डोरी लेंगे, हमें 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो हमने कटिंग की थी आगे की और 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इतनी इसमें कटिंग कर देनी है। अब इसके नाप से हम सारी पट्टियां कट कर लेंगे। ये हमने इस तरह से कट कर ली है। अब हम इसको इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके ये जो इसका बीच का हिस्सा है इस पर हम निशान लगा देंगे। इसी तरह मैं सबके ऊपर बीच वाले हिस्से पर हमें निशान लगा देना है। सबको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सब पे बीच में निशान लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें निशान लगा लिए हैं बीच में। अब हम इन सबके अंदर छोटे छोटे सलवर भरते हुए हमें यहाँ पर ऐसे सिलाई लगानी है इनके अंदर सबके अंदर। सबके अंदर हम छोटे छोटे से सलवर बनेंगे और सब में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनके अंदर सबके अंदर सलवर भर लिए हैं। अब हम यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये शीट ली है। हमारी स्लीव्स की लंबाई होती है, लंबाई हमें यहाँ पर स्लीव्स की लेनी है। और मैंने यहाँ पर इसमें इसकी चौड़ाई ली है यहाँ पर 3.5 इंच। तो हमने यहाँ पर
3.5 इंच चौड़ी ये शीट ली है और 10.5 इंच लंबी मैंने यहाँ पर ये इसकी लंबाई ली है। अब मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड करने के बाद में ये जो हमारा बीच का हिस्सा आया है, हमें इस बीच के हिस्से में बीच में लाइन आ जाएगी। हम इस लाइन पर इसको ड्रॉ कर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधी इस लाइन खींच लेंगे इस पर। और अब हमें यहाँ ऊपर से 1 इंच पर निशान लगाना है, फिर यहां से हम इसके अंदर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर इसके नीचे 1.5 इंच पर, इस तरह से 1.5 इंच पर हमें निशान लगाते जाना है पूरे के अंदर। इधर भी हमें ऊपर से 1 इंच छोड़ना है, इधर से ऊपर से हमें 1 इंच लेना है, फिर इसके बाद में हमें 1.5 इंच पर निशान लगाते जाना है इधर भी। ये हमने 1.5 इंच पर निशान लगा लिए हैं। अब जो हमने निशान लगाए हैं, हमें इनके ऊपर इस तरह से रखते हुए और इन पर सिलाई लगानी है। पहले इधर की तरफ सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे, फिर इधर की तरफ लगाएंगे। हमें इसको इस तरह से रखना है और हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। हमें ये बीच का हिस्सा हमारी इस लाइन पर रखनी है, जो हमारी लाइन है यहाँ पर हमें बीच का हिस्सा रखना है और फिर हमें इधर दोनों तरफ सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इधर की तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमें ऐसी सिलाई इधर की तरफ भी लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमें हमारी स्लीव्स लेनी है। ये हमने स्लीव्स ली है, इन ऐसे ही स्लीव्स की कटिंग हम हमारी लाइनिंग के ऊपर करेंगे। ये हमारे फैब्रिक के ऊपर कटेंगे, अब हम इसको लाइनिंग के ऊपर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक दोनों की कटिंग कर दी है। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे। हमने यहाँ पर मैंने पहले लाइनिंग रखी, फिर नीचे फैब्रिक रखा है। हम इसको इस तरह से रख के और अब हम यहाँ इसमें सिलाई लगा देंगे, इधर यहाँ से लेके और इधर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। इधर भी हमें यहाँ से और यहाँ पर सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं दोनों में इसमें सिलाई लगा दी है। हम इनको फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको फोल्ड करके सीधा कर लिया है। अब हम इसके ऊपर इधर की तरफ फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे और यहाँ पीछे भी हम लाइनिंग और फैब्रिक को अटैच करने के लिए सिलाई लगाएंगे। हमें आगे की तरफ फिनिशिंग सिलाई लगानी है और पीछे की तरफ भी हम लाइनिंग और फैब्रिक को अटैच करने के लिए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसमें सिलाई लगा दी है, फिनिशिंग सिलाई, और पीछे से इस फैब्रिक को भी अटैच कर दिया है। अब जो हमने डिजाइन बनाई थी, हम उस डिजाइन को लेंगे। अब मैं मेरी स्लीव्स को इस तरह से लगाऊंगी यहाँ पर और इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। इसमें हमें इधर की तरफ सिलाई लगा के इसको अटैच कर देना है, इधर की तरफ सिलाई लगा के अटैच कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसमें इधर इधर दोनों तरफ सिलाई लगा के इसको अटैच कर दिया है। मैं इसको और डिजाइन बनाऊंगी तो मैंने यहाँ पर ये लेस ली है। मैं इस लेस को यहाँ से लगाऊंगी, इधर से लगा के यहाँ पर और साइड में इधर की तरफ लगा दूंगी, इस इधर भी यहाँ से लेके और फिर इसके बाद में इधर साइड की तरफ ऐसे लगा दूंगी। हमें दोनों तरफ इस लेस को अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इधर की तरफ ये लेस अटैच कर दी है और अब हम हमारी ये जो पीछे की शीट है इसको हम हटा देंगे इसमें से।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें से शीट हटा दी है और ये मेरी स्लीव्स डिजाइन तैयार है। अगर आपको मेरी स्लीव्स डिजाइन अच्छी लगी और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।